आज के दौर की राजनीति में जहां किसी योजना या अभियान की शुरुआत नेताओं के लिए किसी औपचारिकता निभाने जैसा रहने लगा है, वहीं एमपी के गृह मंत्री अपने कार्यों से इस दौर के राजनेताओं से अलग खड़े नजर आते हैं। मध्य प्रदेश में रविवार से शुरू विकास यात्रा को शुरू करने नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा के सबसे आखिरी गांव जा पहुंचे। देखिए नरोत्तम मिश्रा का निराला अंदाज। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और दतिया से बीजेपी विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपनी विधानसभा में लगातार सक्रिय रहते हैं। नरोत्तम मिश्रा का आम जनता के बीच सहजता से मिलना उनकी लोकप्रियता का बड़ा कारण है। रविवार को भाजपा विकास यात्रा का रथ रवाना करने वह दतिया के आखिरी गांव कोटरा पहुंचे। यहां उन्होंने जनता के बीच ही आने वाले समय में होने जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। 4 लाख रुपए सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनेगा 3,44,000 रुपए, सार्वजनिक तालाब का निर्माण 3 लाख रुपए, सीसी निर्माण कार्य गांव से स्कूल तक 4,50,000 रुपए, सीसी रोड निर्माण बल्लू केवट के मकान से राकेश मकान के पाल तक 4,50,000 रुपए, और गांव में स्ट्रीट लाइट के खम्मा तो लग गए, इन पे भी बत्ती लग जाए उसके लिए 3 लाख रुपए। लेकिन ये ध्यान रखना, ये 2 साल में होंगे, लेकिन कल से ही कोई सेटा आ जाए कहने लगा वो इतने बोल गए थे का भाव। अब भाई सेट, अब चुनाव आ रहे हैं ना, तो सबरे सेटा घूमेंगे, सबके आएंगे ये चुनाव पे आते थे, अब थोड़ी आएंगे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस दौरान लोगों से उनकी जरूरतों और समस्याओं को लेकर भी चर्चा की और उन्हें चुनावी नेताओं से सावधान रहने की भी सलाह दी। दतिया से पब्लिक फर्स्ट संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।